सो गाइस मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं क्या बताऊँ, फर्स्ट टाइम मैं विदेश जाऊंगी। मजा आने वाला है। कहाँ गया भाई? थाईलैंड में रजिस का लगेज खो गया। क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आपको तो कल के व्लॉग में देख के पता ही चल चुका होगा कि मैं फर्स्ट टाइम रचित के साथ जा रही हूँ इंटरनेशनल ट्रिप। मतलब रचित के साथ कह लो, अकेले कह लो, मैं फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही हूँ। और किस देश में जा रही हूँ रचित ने अभी तक रिवील नहीं किया, इसलिए मैंने भी नहीं किया है। तो एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते हम आपको बता देंगे कि हम कौन से देश में जा रहे हैं। बाकी ये देखो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने पर्पल कलर का ट्रैक सूट पहना है और पर्पल कलर की हेयर बैंड भी लगाई है और एक इयररिंग्स भी पहन ली। मैंने कहा चलो यार फोटो वोटो क्लिक करवा लेंगे, इसलिए थोड़ा अच्छे से रेडी हो गई। वरना फ्लाइट में मैं हमेशा कंफर्टेबल जोन में जाती हूँ। बाकी रचित, ऋतिक और विनय ये लोग नीचे रील बना रहे हैं। इंस्टा इंस्टा ऐसे क्यों पागल हो गया? कोई आया है क्या? नमस्ते नमस्ते, यहाँ कैसे आज? शिवम ने फोन करा था। शिवम ने? हाँ। शिवम आ रहा है क्या? पता नहीं, उसी ने बोला था आने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ भाई कैसे एक्साइटेड हो भाई? ये इनोग्रेशन पे जो गिफ्ट्स मिले थे ये अभी तक ओपन नहीं किए हैं, देख रहे हो ऐसे ही रखे हुए हैं। हमें टाइम ही नहीं मिल रहा कि हम अपने गिफ्ट्स ओपन कर लें। कहीं ना कहीं भाई जाना पड़ जा रहा है, घर पे रुक ही नहीं पा रही हूँ। और इंस्टा को 5 मिनट बोल के जाती हूँ और 2-3 दिन लगा के आती हूँ। 5 मिनट बोल के गई थी घर पे, 2 दिन रुक के आई, अब फिर 5 मिनट बोल के निकल जाऊंगी। फिर अब तो आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, तो देखो 4 दिन तो लगेंगे। 4 तारीख की मे बी, अभी मुझे 4 या 5 या मुझे नहीं पता कब की रिटर्न फ्लाइट भी हमने कर ली है। भाई ये देखो सोसाइटी में यहीं कहीं होंगे वो, कहीं ना कहीं तो होंगे शायद। वो हैं क्या? वो देखो छोटे छोटे से दिख रहे हैं, वो हैं कहाँ हैं मुझे पता नहीं चल पा रहा यार। यहीं कहीं पे होंगे। लाडो तो अपनी वो खड़ी है देखो पेड़ों के बीच में। मैं 2 दिन बाद घर से आई हूँ। मैंने अभी तक, मतलब होता नहीं है आप कभी भी कहीं से बाहर आओ तो 2 दिन आपको अपने घर के भी चाहिए, 1 दिन चाहिए। सारी चीज़ें ऐसी ही फैली हुई हैं, फिर भी मैंने फटाफट से रात में ही पैकिंग कर ली, क्योंकि रात में ही प्लान बना है कि हम लोग न्यू ईयर बाहर इस बार सेलिब्रेट करेंगे। भैया चाय बन गई? थैंक यू, यहीं रख दो। मैं कह रही थी कि हम जा रहे हैं, स्वाति आएगी, जानते हो ना स्वाति को? हाँ, रचित की सिस्टर, वो आएगी, वो यहाँ पे रहेगी, ठीक है? तो उसका भी ध्यान रखना, इंस्टा का भी, घर का भी, तो वो ही रहेगी थोड़े दिन जब तक हम नहीं है, अकेले ही, ठीक है? वैसे तो मैंने ब्रेकफास्ट में पोहे खा लिए थे, अभी फिर चाय पी रही हूँ। आपको अपनी पैकिंग दिखाऊँ क्या क्या कर रखी है? ये भाई 4-5 घंटे का ट्रैवल है, तो मैंने अपना नेक पिल्लो निकाल के रख लिया है और इतना बड़ा सूटकेस, मतलब इससे बड़ा कोई लगेज होता ही नहीं है। ये मैंने अपना लगेज पैक कर रखा है, इसमें पूरे कपड़े डाल रखे हैं। वैसे तो मुझे 4-5 जोड़ी रखने थे, लेकिन फिर भी मैंने 10 जोड़े रख लिए हैं, क्योंकि बाहर मुझे कम नहीं पड़ने चाहिए। भाई मैं अपनी हमेशा वैक्स स्ट्रिप लेके चलती हूँ, ये मेरा आई का सोल्यूशन है, और ये कपड़े वगैरह ये सब रखा है मैंने, ये पैक किया है। इसके अलावा भी मैं ये छोटा सा बैग लेके जा रही हूँ, इसमें जो हैंड बैग होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो फ्लाइट में भी मुझे ज़रूरत पड़ती हैं, तो वो इसमें है। और गाइस आपको अलमीरा दिखाऊँ अपनी, अलमीरा दिखाऊँ कैसे फैली हुई है? भाई ये देखो, ऐसे किसी की अलमीरा नहीं रहती होगी जैसे कि सिब्बूगिरी की रहती है। ये सब ऐसे ही फैले हुए हैं कपड़े। कोई नहीं, ये सब तो जब आऊँगी 4-5 दिन बाद, जब भी आऊँगी तब इसको रखूँगी अच्छे से। और ये गाइस मेरा आप लुक देख लो, मैंने ये पिछले से पिछले ठंडी पहना होगा और अब ये एक बार और पहना है। इंस्टा बेबी को पता चल चुका है मैं जा रही हूँ, तो यहाँ पे आके मुंह बना के बैठे हुए हैं ये। क्या हुआ बेटा? मम्मा जा रही हूँ क्यूट से बच्चे की, आ जाऊंगी। हाँ इधर देखो, ऊपर देखो, मुंह नहीं बनाते गंदा सा, इधर देखो। जाऊँ फिर? मैं जा रही हूँ, चलो मैं जा रही हूँ। क्यूटी क्यूटी पाई, तेरे साथ अच्छे से मैंने टाइम भी स्पेंड नहीं किया इंस्टू, आई एम सॉरी बीचा, पर कोई नहीं, हेमंत है ना तेरा ख्याल रखने के लिए, हेमंत भैया रखेंगे तेरा ख्याल। और फिर तो स्वाति भी आ जाएगी, स्वाति भी ध्यान रखेगी बेटू का। ओ ब्रश किया, दांत दिखाओ, ब्रश किया? हाँ कर लिया है, दांत तो साफ लग रहे हैं छोटे बच्चे के। और ये क्या गंद मचा रखा है बेटा,
ये क्या पट्टा वट्टा फेंक रखा है तुमने? बहुत नालायक हो तुम, बहुत नालायक हो। थैंक्स टू, तुझे याद आएगी मेरी? आएगी याद? रोना नहीं है, टूटना नहीं है। अच्छा चलो एक बार हेलो कर दो, हेलो कर दो एक बार। अले ले ले सब सब, बहुत प्यारा है यार इंस्टा, बहुत प्यारा है। इसको छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं करता। काश मेरे पास ऐसी जादुई शक्ति होती, मैं चुटकी बजाती तुझे एक छोटा बच्चा बना देती, फिर अपने साथ लेके चलती, फिर चुटकी बजाती फिर तेरे को वापस इंस्टा बना देती, फिर चुटकी बजाती, है ना? कोई नहीं बेटा। तो भाई मैं एक बार अपनी सोसाइटी में आई हूँ नीचे बाहर, क्योंकि रजत ने बुलाया, कह रहा रजत सिब्बू एक बार नीचे आ जा, एक शॉट दे दे, एक रील बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं नीचे आई हूँ। देखो यहाँ पे चल रही है इनकी शूटिंग, जाते जाते। गाइस वैसे तो मेरा जाने का मन नहीं था, पर आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी चलते चलते कि कैसे प्लान बना और कैसे हम सडनली आज जा रहे हैं। क्या? हाँ, अरे यार माइक ही लेके आ गई गलती से, अब माइक देने वापस जाऊं। आजा बल्लू, भक्के आ भक्के, ले भाई बल्लू आ गया। भाई फ्लाइट ना मिस हो जाए इनके रील के चक्कर में, ये रील बनाने के चक्कर में लेट कर रहे हैं। हमें निकलना था 2 बजे और 2:10 यहीं पे हो चुके हैं, पर कोई नहीं, मैं तो रेडी हूँ, मेरी वजह से तो नहीं होगा लेट। तो गाइस पता है कैसे सडनली क्या प्लान बना? जब रचित मुझे पिक करने आया था ना, तो रचित का मन था जाने का, उसने मेरे को पहले ही पूछा था जब मैं यहाँ आ रही थी, जब उसने मेरे को NSP में कैब में बिठाया था, तभी उसने मुझसे पूछा था। मैंने मना कर दिया, नहीं, मैंने कहा नहीं यार मेरे को शूट वूट करना है, मैं नहीं जाऊंगी। ये रहा मेरा लगेज, इंसु देख रहा है जाते हुए। इंसु हम अभी आए 5 मिनट में, ठीक है? 5 मिनट में आ जाऊंगी, 1 मिनट = 1 डे। इंसु 5 मिनट में आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है बेटा, चलो बाय बाय बोल दो एक बार, खड़े हो बैठ जाओ, सेट सेट। भाई वो बिजी है, यही अच्छा मौका है निकलने का। ना हाँ गया वो भाई, रचित इतना बड़ा बैग मेरा लेके उतर रहा है नीचे। देखो बालकनी से झांक रहा होगा ऊपर, देखो झांक रहा है, अभी दिखाती हूँ गाइस आपको, ऊपर से झांक रहा होगा। कहाँ है, कहाँ है इंस्टाग्राम? मुझे पता था ये यही खड़ा होके देख रहा होगा। 5 मिनट में आ रही हूँ इंस्टू, ठीक है भैया, ध्यान रखना इसका, बाय बाय इंस्टू, बाय बाय। हाँ तो गाइज मेरी स्टोरी कहाँ तक पहुँची थी, ये कि मैंने मना कर दिया था, फिर रचित घर आया, घर पे कहने लगा चल ले यार कभी नहीं गई तू, तेरा पासपोर्ट बनवा के ऐसे ही रखा है, कर लेते हैं ट्रिप। फिर मैंने पापा मम्मी से पूछा, मैं पापा से पूछा पापा मैं जाऊँ, पापा कह रहे हैं और क्या चली जा, अभी चले जाओ घूमने, फिर पता नहीं कब जा पाओ ना जा पाओ। पापा ने, मैंने कहा पापा बहुत पैसे वैसे खर्च होंगे, पापा कह रहे हैं पैसे तो इंसान कमाता रहता है, जाओ घूम के आओ। फिर भाई थोड़ा सा मेरे को लगा ठीक है यार, जब पापा ने भी कह दी तो चलते ही हैं, और वहीं पे थोड़ा मेरे को खुशी मिली। मम्मी ने बोला और क्या जाओ घूमने, तो अभी मैं और रचित फाइनली फिर जा रहे हैं, और हमें जा रहे हैं ये बिग बॉस। तेरा नंबर बिग बॉस नाम से सेव है मेरे फोन में, पता नहीं किसी ने करा था शायद रचित ने उसकी, जब मैं हुई बिग बॉस। हाँ तो विनय और अमन हमें जा रहे हैं ड्रॉप करने एयरपोर्ट पे। कौन सी गाड़ी जा रही है, कितनी गाड़ियां जा रही है गाइस? बस टियागो, क्योंकि भाई तो आपको पता ही है हमारे SUV का एक्सीडेंट हो चुका है। हाँ मैंने बोला था दिन में दिखाऊंगी, मैंने बोला था ना दिन में दिखाऊंगी, चलो दिखाते हैं। ये देखो तो क्या कांड हुआ है, ये पूरी गाड़ी देख लो भाई, ये इतनी यहाँ लगी है और ये पूरा लटक के, ये भाई पूरा ये टूट गया है। तो गाइस हम बैठ चुके हैं टिगोर में, टिगोर से जा रहे हैं हम एयरपोर्ट। अच्छा हाँ टियागो सॉरी, और देखो कैसे फंस के बैठे, इतना बड़ा लगेज मेरा बीच में है, और ये देखो और भाई रचित और विनय आगे बैठे हैं। छोटी गाड़ी है पर यार इमरजेंसी में यही काम आती है, अक्सर मैंने देखा है, अक्सर यही होता है, बहुत बार हो चुका है ऐसा ही हुआ है, यही काम आती है।
सो गाइस मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं क्या बताऊँ, फर्स्ट टाइम मैं विदेश जाऊंगी, मजा आने वाला है, देखूंगी क्या है। रचित ने तो बहुत तारीफ करी है, सिब्बू बड़ा मजा आता है ये वो, इन फ्यूचर में तो बाहर ही शिफ्ट होऊंगा, ऐसे ऐसे बहुत तारीफ करी है, ऐसे ऐसे बोल के देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा। देख वो तो मैं थोड़ा सा ऐसे बोल देता हूँ, बाहर शिफ्ट होऊंगा, अपने इंडिया को छोड़ के नहीं जाऊंगा कहीं। अच्छा, घूमूंगा हर जगह पर रहूंगा इंडिया में। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, मातृभूमि नहीं छोड़ी, ये बड़ी अच्छी बात करी भाई। ये तो कभी नहीं गया कहीं भी, नहीं गया ना तू? नहीं, गुड़गांव तो आया हूँ। तो गुड़गांव में आके, अरे खुले पैसे रख लिए? खुले पैसे? हाँ, वहाँ तो बाहर चलते हैं। नहीं वहाँ का, अरे एयर होस्टेस लेती है जब बैठोगे ना, फर्स्ट टाइम है ना आपका, एयर होस्ट शगन लेती है क्या वो? हाँ, पूछ लो, इंटरनेशनल में लेती है। तू गया है कभी? और ऑफ कोर्स, अरे रहने दे, अभी किचन में कह रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था। ये अपने पिट्ठू बैग में डाल दे। क्या है? क्या चीज? ये चप्पल। चप्पल हाँ मैं रख लूंगी, दे भाई चप्पल ले जा, बहुत कंजेस्टेड हो रहा है, अभी डाल लूंगी मैं। ला मेरे को दे बैग, रुक जाओ। बाय बल्लू, चलो बाय बाय, बाय बल्लू, बाय बैंगन, बाय बल्लू, बाय, हैप्पी न्यू ईयर। भाई बल्लू यही हमारा वेट करेगा, दिखाना है। तो भाई हम फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और ये देखो अभी हमारा सामान निकाला जा रहा है। रचित, विनय और अमन तीनों मिलके ये देखो डिग्गी से सामान निकाल रहे हैं, और अभी यार ये तो एक्साइटमेंट ही खत्म नहीं हो रही है। क्या क्या एक बार अंदर चले लेते हैं, फिर वहां पे करेंगे व्लॉग, ठीक है? हाय क्यूटी, बाय बाय क्यूटी। पासपोर्ट दिखाओ, ये इस दोनों का है ना इसमें। चलो भाई अब करेंगे चेक इन। गाइस फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आके थोड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है। मैंने काफ़ी चीज़ें देखी जो अभी तक डोमेस्टिक में नहीं थी, अभी मुझे मतलब मैंने फर्स्ट टाइम मेरे साथ रहेगी ऐसी मौज मारेगी। मैंने फर्स्ट टाइम देखा करेंसी चेंज होते हुए, मैंने फर्स्ट टाइम ये मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ पे टैक्स नहीं लगता यहाँ कहीं ना, ये टैक्स फ्री है, ड्यूटी फ्री है। हाँ ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री, यहाँ पे टैक्स यहाँ पे मिलता है सब कुछ। तो फिर कपड़े से ले करा दो टैक्स वगैरह, अभी हमारे पास टाइम कम है, हम शॉपिंग करेंगे जब हम वापस दिल्ली आएंगे ना अपना ट्रिप पूरा करके, तो उस टाइम भी ड्यूटी फ्री एरिया में ही उतरेंगे हम, तो वहाँ से हम खरीदेंगे फिर, या हम जब वहाँ से इंडिया की फ्लाइट लेंगे तो वहाँ भी ड्यूटी फ्री एरिया होता है, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी तेरे को वो दिखाऊंगा मैं, 7 लाख की चाय। ठीक है, बस 7 लाख की चाय मैं देख सकती हूँ, मैं तो पी भी सकता हूँ ना, तुम पी लेना, मैं बस देख सकती हूँ, पर मैं पिला दूंगा तेरे को, कोई नहीं। नहीं मैं देख लूंगी, मेरे हजम नहीं होगी ना वो 7 लाख की चाय, डाइजेस्ट नहीं होगी। गाइज यही वो शॉप है जिसकी अभी रचित बात कर रहा था, यहीं पे कह रहा था 7 लाख की चाय मिलती है, बट अभी हमने पूछा तो भैया बता रहे हैं कि वो 7 लाख बढ़ के अब 20 लाख रुपए हो गया है, 20 लाख की चाय है, 20 लाख देखना रहे, ले आएंगे थोड़ी, देख के चले जाऊंगे। हाँ ये बस देख देख के, मैं फर्स्ट टाइम चौड़ में गुजारा, देख के चला गया था। हाँ ये सारे देख रहे हैं 20 लाख रुपए किलो की कौन सी चाय है, इस दुकान पे जरूर आता हूँ देखने, रेट पूछने, लास्ट टाइम 7 लाख रुपए किलो था, अभी 20 लाख रुपए किलो हो गया। भूख लग गई तुम्हें? लगी है, तेल ले रहा हूं। नहीं तुम्हें लगी है, मेरा तो सिर्फ एक एक्सक्यूज कर रहे हो तुम भाई, रचित को भूख लग गई है, रचित को भूख लगी है, तो रचित अभी अपने लिए ले रहा है एक वेज पफ और एक पनीर टिक्का सैंडविच। अच्छा, और तू वेज पफ खाएगी? मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कोई नहीं, तुम मेरे ब्लॉग में रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, तुम खा लो, खा लो, तुम खा लो, कोई बात नहीं, लग जाती है भूख अक्सर भुक्कड़ों को। गाइस देख रहे हो, यूं कह रहा पे कर दे मुझे मत कर, ठीक है नहीं कर रही, बहुत कैश है मेरे पे। बता किसके मुंह पे कितना मारना है, मेरे मुंह पे मार दे 200-300 करोड़, चल 1 करोड़ मार दे, देख मैं खा लूंगी वो, मारू क्यों, तो प्यार से दे दूंगा मैं ऐसे। तू मार के दे दे फिर। चलो गाइस आ गया, एक बार पे कर देती हूँ। मैं ये खाऊंगी नहीं, बस रचित के लिए उठा के लेके जा रही हूँ, क्योंकि देखो रचित खाता हुआ जा रहा है, झूठ है ये, वो तेरा है। नहीं ये रचित ये खा रहा है और ये मैं लेके चल रही हूँ। तो गाइस पहुँच चुकी हूँ मैं थाईलैंड के एयरपोर्ट, जस्ट अभी लैंड हुआ है और बाहर आई हूँ, पूरे रास्ते सोते सोते आए हैं मैं और रचित। और चलो रचित ने मेरे से एक क्वेश्चन किया कि कुछ अलग लग रहा है थाईलैंड के एयरपोर्ट में, बैंकॉक पहुंच गए हम यार, मैंने तो चलो बता ही दिया था स्टार्टिंग में,
तो रशीद मुझसे पूछ रहा है यहाँ का एयरपोर्ट कुछ अलग लग रहा है। मैं कह रही हूँ हाँ, थोड़ा दिल्ली के अकॉर्डिंग, अपने दिल्ली के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाउन लग रहा है। इतना ज़्यादा वो जैसे देख के ना लग्जूरियस लगता है, इतना नहीं है, सिंपल सिंपल है। वो अपना दिल्ली वाला एयरपोर्ट ज़्यादा अच्छा है, दिल्ली वाला वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में एयरपोर्ट। तो फिर ऑफ कोर्स लगेगा। मैं कुछ अलग अलग लगा कि ऐसा लगा कि दूसरे देश में आ गए। नहीं, सिंपल सा है, डोमेस्टिक भी वहाँ का, मतलब जैसे हम इंटरनेशनल से आए ना, वहाँ का एयरपोर्ट डोमेस्टिक भी इससे अच्छा है। नहीं, डोमेस्टिक से तो अच्छा है। नहीं रचित, अभी आगे चलेगी ना तो आगे क्या पता अच्छा हो, यहाँ तो मुझे नॉर्मली लग रहा है, सिंपल सिंपल। ये देखो हमारे सामने जा रही हैं यहाँ की एयर होस्टेस, देख लो, और ये यहाँ का क्रू भाई। यहाँ की, हमारे यहाँ की यूनिफॉर्म थोड़ी अलग होती है, डिज़ाइन सेम है, यहाँ की यूनिफॉर्म का कलर थोड़ा अलग है। देखा यहाँ की एयर होस्टेस वो जा रही, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना ये वाली, अच्छी तो है यहाँ की एयर होस्टेस। गाइस फाइनली हम अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अपना लगेज लेने के लिए फर्स्ट टाइम खड़े हुए हैं। 5 मिनट तो हो गई है, देखो कब तक आता है। हाँ हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम है भाई, रचित तो 2-3 बार आ चुका है पहले भी, लेकिन अभी तक लगेज का नामो निशान नहीं दिख रहा है। सो गाइस अभी हम थाईलैंड का नंबर ले रहे हैं, क्योंकि इंडिया की सिम यहाँ पे ऑफकोर्स काम करेगी नहीं। तो आपको प्रोसेस दिखाती हूँ, मेरा तो हो चुका है, मेरा जब हो रहा था तो रचित कैप्चर कर रहा था। रचित को तो आदत पड़ गई है, रचित तो विजिट करता रहता है थाईलैंड वगैरह। मैंने फर्स्ट टाइम किया, तो अभी यहाँ पे ये सिम देते हैं। हमने सबसे, मतलब हमें 4-5 दिन रहना है, तो हमने 8 दिन वाली ली है, सबसे कम 8 दिन वाली अवेलेबल है। हाँ, सबसे कम 8 दिन वाली अवेलेबल है, 5 दिन तो रही हमने। तो भाई अब मैं भी हो चुकी हूँ क्या थाईलैंड वाली, नंबर वंबर ले लिया है भाई मैंने यहाँ का। मैंने भी कह रहे हो, मैं तो कई बार नंबर लेता हूँ भाई, अपनी सिम मैंने संभाल के रखी है। मैं अपने थाईलैंड का नंबर बता दूँ इसको कि मेरा थाईलैंड का नंबर क्या है, बता दूँ? इंडिया का तो बता नहीं पाई हूँ, बता देती हूँ, बता दूँ? क्यों बताना, बोल दो ना, क्यों बताना? अरे कॉल कर लेंगे इंडिया से, ब्लॉग में क्यों बतानी है फिर। भाई मेरा लगेज भी आ चुका है, मेरा तो दिख गया, ये रहा वो ब्लू कलर का, रचित का नहीं दिख रहा है भाई। लगेज में तो टाइम लगा दिया ना इन्होंने, तो हमने सोचा भाई सिम ही ले लेते हैं। तुम्हारा नहीं दिख रहा रचित, कहाँ गया? गया भाई थाईलैंड में, रचित का लगेज खो गया। आ जा, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? खाने में कुछ भी नहीं था, तो मैंने सिर्फ ले लिया ऑरेंज जूस। और बाहर निकल के पता है मैंने क्या देखा, यहाँ से थोड़ा फील आ रहा है कि हाँ भाई मैं दूसरे देश में हूँ। यहाँ पे ये जो लाइन से टैक्सियां लगी हुई है, इसमें देखो यार रंग बिरंगे कलर की टैक्सियां है। चलो इस टाइप की तो इंडिया में भी कॉमन मिल जाएंगी, पर ये डिज़ाइन नहीं मिलेगा, मतलब इस टाइप की कार कोई टैक्सी में नहीं चलाता। और ये देखो पिंक कलर, येलो कलर, ग्रीन, और इधर पता नहीं कौन कौन सी ब्लू, सारी देख रहे हो टैक्सी के लिए लगा रखी हैं। भाई मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, और यहाँ की बार्गेनिंग भी देख ली मैंने। तो भाई रचित जितने में बोला, रचित उतने में ही लेके जा रहा है, क्योंकि उसको रेट पता है ऑलरेडी। ये देखो ये देखो गाइस, हम थाईलैंड की टैक्सी में बैठ चुके हैं, और रचित ड्राइवर से गप्पे मार रहे हैं जिससे हमने टैक्सी बुक करी है। पता नहीं है थाई में क्या भैया बड़बड़ा रहे हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी भी इनकी इसी में बहस हो रही है, 16 वो कह रहा है 15, ये कह रहा है 16, ये कह रहा है 15। ब्रदर प्लीज अंडरस्टैंड, 15 शी विल किल मी, वी हैव लिमिटेड बजट यू नो। भाई एक लगेज उठा के यहाँ पे रख दिया है, that's it, 16, ये देखो 16 final भाई मना ही लिया इसने अपनी बोल के। ओके भाई ये बोल कैसे रहा था, हाँ गाली बकरा थाईलैंड में, बस साला यही पीटूंगा पकड़ के। 16 no 17 no 16 कह रहा था अभी, no bro don't do this I pay highway, okay no issue but 15 only I pay highway। यार ये बिठा लिया इसने गाड़ी में, जब भी देखी हो ऐसे क्या रख के कह रहे हैं।
भाई अभी टैक्सी वाले ने बोला कि मुझे नींद आ रही है, मैंने अपने पापा को बुला दिया, आप मेरे पापा के साथ चल जाओ। ये रही मेरे टैक्सी वाले की टैक्सी और ये रही उसके फादर की टैक्सी। तो अभी हम जा रहे हैं उसके फादर की टैक्सी में। रचित के ब्लॉग में सब कैप्चर है, मैं थोड़ा लिमिटेड ही बना रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत टायर्ड हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। अभी हम एक बस स्टैंड पे ही मतलब टैक्सी एक्सचेंज कर रहे हैं। ये देखो एक वो रही एक ये रही। भाई मेरे को तो थोड़ा इनसिक्योर सा लगा क्योंकि पहले ये पैसों के लिए कर रहा था, फिर उसके बाद हो गया, फिर कह रहा है कि फ़ोटो वोटो क्लिक करी, फेसबुक पे अपलोड करी, फिर कह रहा है मेरे पापा के साथ चले जाना। मेरे को थोड़ा अनसेफ लग रहा है, पता नहीं अपनी लैंग्वेज में क्या बोल रहा था, बट रचित कह रहा है कि सब सेफ है, तो चलो चलते हैं। तो हम उतर गए इस टैक्सी से, ये रचित ने पैसे दे दिए हैं, ये भैया थे हमें जो लेकर आए हैं। तो भाई जितना डर रही थी ऐसा कुछ हुआ नहीं, सेफ लाके छोड़ दिया यार। हाँ। टैक्सी चेंज करवा दी, लेकिन पापा तो लग नहीं रहा यार इतनी उम्र तो नहीं होगा ना पापा क्या। ठीक है चलो 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 भाई, ये पूजा भैया के भाई मिल गए, वो रहे दीदी और भैया यहाँ पे मिल गए। हमारा होटल ही है ना। अच्छा यही है क्या, पहुँच गए भाई, बहुत ज्यादा। और भैया क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया हाल है भाई, थका हुआ नींद। और किस वजह 6 बज रहे हैं पता है तुम्हें? सामान चेक कर पूरा है? यस मैंने ले रखा है, मेरा तो पूरा है। और दीदी क्या हाल चाल, कब आए कब आए आप? हम कल आ गए थे, तुम लेट आयो। हम थोड़ा लेट हो गए, हमारा सडनली प्लान बना और सडनली आ गए। चलो हमारी वजह से बन गया। हाँ रचित ने बना लिया, हमारे स्टेटस देख रहे होते। हाँ